फिर so okay. so जिसको बोलना है वो यू कैन ऑलवेज रेज दी सो वी आर एड नाजुल टोटल फोर्टी वन है सो हम लोग छे कवर कर चुके हैं वी आर ऑन द फोर्थ वीक ऑफ इट और अटेंडेंस बढ़ते जा रही है, है उसकी एक नेक्स्ट लेवल है राइट बिकॉज इमाम अली इज द ऑथर ऑफ दिस सो लेट्स ओपन द वाइट बोर्ड एंड let's see catch here of uh okay all of you can see my screen okay fifth sermon is about decline of justice and righteousness uh, रिब्यूक ऑफ प्रीवियस इमामिटी ये वो पोजिशन है कि नॉर्मली इमाम्स और प्रॉफिट्स जो होते हैं आपने देखा होगा कि रिब्यूक नहीं करते हैं ठीक है रिब्यूक मतलब है रिबॉल्ट नहीं करता है बल्कि इनफैक्ट अपना हक भी होता है तो आ, हक के लिए हमेशा इस्लाम में लड़ने को कहा गया है कि अगर आपका हक कोई ले रहा है अगर आपका राइट है ह्यूमन राइट right है तो आज जिस में रह रहे हैं ट्वेंटी ट्वेंटी फोर उसमें ये प्रोपोकेंडा बहुत कॉमन है दैट्स पीपल लाइक डेमोक्रेसी के हर एक बोलता है मुझे मेरे राइट्स मिलने चाहिए वुमेन्स बोलती है मुझे मेरे राइट्स मिलने चाहिए बच्चे बोलते हैं तो मैं एशिया की तरह मेरी पिटाई नहीं लगा सकते मेरे राइट्स मिलने चाहिए राइट एम्प्लॉय uh, बोलता है मुझे मेरे राइट्स मिलने चाहिए तो उसी तरह एक सुपर पावर ऐसे भी हैं चाइना की तरह जहाँ पे एम्प्लॉय को बेर बकरियों की तरह यूज़ करते हैं तो एक दफ़ा एक कॉन्स्पेरेसी आई थी कि एप्पल जैसी बड़ी कंपनी पे केस किसी ने किया था कि तुम्हारे फोन बहुत फ्लैशी बॉक्सेस में बिकते हैं और चाइना में तुम्हारे लोगों के साथ क्या होता है ये किसी को नहीं पता राइट तो किसी ने वीडियो लीक की थी जिसमें उसने अपोलॉजाइज किया था कि भाई हमारे वेंडर्स हैं ये और हमें भी नहीं पता क्या करते हैं ये लोगों के साथ तो आज की सदी में जो है ना वो हर एक के राइट्स हैं और हर एक आ, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ में जस्टिस नहीं है अफगानिस्तान की बात कर रहा था हमारे बहुत स्माइलिस रहते हैं फोटी फाइव मिलियन वहाँ पे ये लॉ भी पास हो गया है कि फीमेल्स जो हैं वो एजुकेशन नहीं ले सकती सिक्स क्लास के बाद और सिक्स क्लास के बाद पढ़ नहीं सकती और बाहर जॉब नहीं कर सकती बोल नहीं सकती तो यही दो में ये वो लोग हैं जो दुनिया में रह रहे हैं और दो में हम यू एस एंड कैनेडियंस वो लोग हैं जो दुनिया में रह रहे हैं सो so, हमें मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया को मिल गया सो आई थिंक एक शुक्र अलहमदुल्लह बनता है हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद मी यस और नो राइट अपने आप को एक मिनट के लिए सोचो कि आप उस इकनॉमी में पैदा हुए होते और जैसे तजिकिस्तान है या सीरिया है या अफगानिस्तान है यू नो वहाँ पे क्या करते है यू वुड हैव बीन इन दिस बेस्ट रिलीजन ऑबियसली बट आपके पास फिजिकली जो दुनिया की परेशानियां होती वो आप सोच भी नहीं सकते वो तो हमेशा कहते हैं ना अपने से नीचे वाले को देखोगे तो अपनी ब्लेसिंग ज्यादा रियलाइज होगी कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं राइट yes no. right. right. तो इसमें ये बात बताई इमाम अली ने कि जब चीज़ें सही नहीं हो तो उसको क्रिटिसाइज भी करना चाहिए एंड इमाम अली ने क्रिटिसाइज किया उनसे पहले के रूलर्स को इसीलिए नहीं कि उनको पोजिशन में आना था अगर वो पोजिशन में आना चाहते तो हमने बात की थी उनके तलवार के सामने कोई खड़े नहीं हो सकता था राइट और बड़ी बड़ी बैटल्स में जब सबने हथियार डाल दिए थे सो द वंस जो लड़ लड़के खैबर फतेह करके इस्लाम को लेकर आए थे तो इमाम अली ने उस वक्त भी जंग नहीं की लेकिन जब दूसरों के हक की बात आई तो इमाम ने क्रिटिसाइज भी किया राइट सो इट्स अबाउट राइट्स ऑफ योर सेल्फ एंड अदर्स तो हमें हम एम्पावरमेंट में एक चीज़ कहते हैं कि वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव वर्ड्स है राइट हमें दुनिया को बदलने की ज़रूरत नहीं है हम अपने आप को बदल लें तो वील बी अ बेटर व्हेन वी गो आउट ऑफ दिस अर्थ और जब तक दुनिया में होंगे तब भी लोग पसंद करेंगे बिकॉज अच्छे इंसान को कौन पसंद नहीं करता अग्री करते हो सर इस बात से यह सुन लो राइट और आप अपने इर्गिर्द देख लो एक मिनट के लिए राइट डाउन द नेम्स टेक द पेपर आपको जिंदगी में तीन लग, अच्छे लोग कौन लगते हैं उनके नाम लिखो एक मिनट के लिए अब ये नहीं बोलना मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता अगर कोई भी अच्छा नहीं लगता इसका मतलब है आपका ईगो बहुत बड़ा है ठीक है दुनिया में कोई ना कोई अच्छा लगता होगा जिसको कोई अच्छा नहीं लगता उसको टाइल ऑल की ज़रूरत है फाइव हंड्रेड एम जी वाली ठीक है कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है सो so, एक मिनट के लिए उसकी तीन क्वालिटी लिखने की कोशिश करो जो अच्छा लगता है वो क्यों अच्छा लगता है यकीन जो आपको अच्छा लगता होगा या यू वुड बी एडमायरिंग दिस कुड 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 बी 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 अ अ फ्रेंड दिस दिस इन द फैमिली दिस कुड बी सम नेबर दिस कुड बी सम ओल्ड कोलीग दूसरी कंट्री में कोई पुराना दोस्त हो सकता है जो बहुत पुराना था आज भी आपको याद है कि यार हाँ टच में नहीं हो लेकिन वो बहुत अच्छा है बहुत अच्छी तो अच्छाई होगी कोई ना कोई इसलिए अच्छा लगता है राइट अगर वो आपकी बात नहीं सुनता लोगों के राइट्स खा जाता है लोगों का हक खा जाता है लोगों को बोलने नहीं देता लोगों को अपनी पावर के अंदर दबा के रखता है ऐसे इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता यस और नो राइट तो अगर आप पावरफुल होना चाहते हो और पावरफुल होकर क्या करना चाहते हो दूसरों को अपने पावर में लाना चाहते हो तो आपको भी कोई पसंद नहीं करेगा राइट right? तो दुनिया का हिस्ट्री बड़ा कॉमन है वो लोग जो अपने आप को सेक्रीफाइस करके दूसरे को ऊपर रखते हैं दुनिया उनको याद रखती है कितने लोग इस बात से अग्री करता है अच्छा अब जो सेक्रीफाइस करते उनकी जिंदगी बड़ी पेनफुल गुजरती है कितने लोग इस बात से भी अग्री करता ठीक है।, है तो दूसरों के लिए वो आदमी अच्छा होता है मगर उसकी खुद की लाइफ बहुत पेन से गुजर रही होती है बहुत हीट से गुजर रही होती है मगर आपको चैनलाइज करने आना चाहिए ठीक है अच्छा गुस्सा एक होता है नहीं करना और एक होता है गुस्सा पी जाना इस्लाम में या कुरान में एक वर्ड यूज किया है एंगर कंट्रोल गुस्सा पी जाना यानी कि गुस्सा इज लाइक फायर आप गुस्से में होते हो थिंक अबाउट लास्ट टाइम आप बहुत गुस्से में कब थे क्लोज योर आइज फॉर अ मिनट सोचो ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी गुस्से में नहीं आया हो ठीक okay? है हमारे बाद भी अच्छे इंसान आए हमारे बाद खुदा ने वो अच्छी मशीन बंद नहीं कर दी राइट हम वी आर नॉट द बेस्ट वंस बहुत सारे मसले हैं हमें कितने लोग कहते हैं हमें मसले हैं रेज यू हेम्स ठीक है लास्ट टाइम गुस्सा आया था तो क्या सिचुएशन थी आपकी और क्या किया था ये सोचो अच्छा अभी मैं किसी को करूंगा ना तो सब अच्छा अच्छा बोलेंगे जो कि इतना अच्छा नहीं है राइट <laughs> तो खुद ही अपने आप को बताओ क्या किया था तो उस सिचुएशन में खुदा ने ये नहीं बोला कि गुस्सा नहीं आना चाहिए तुमको क्योंकि दैट्स नॉर्मल गुस्सा नहीं आ रहा मतलब आपकी साइकोलॉजी खराब है राइट right? गुस्सा आएगा तो ही तो नॉर्मल हो तो उस खुदा ने बोला गुस्सा आना इज नॉर्मल बट गुस्से को पी जाओ कंट्रोल करो फायर को सॉलो कर लो अब फायर को जब आप खाओगे तो फायर अंदर जाएगी येस और नो और फायर जब अंदर जाएगी तो इमोशन को हिलाएगी माइंड को हिलाएगी स्पिरिट को हिलाएगी दो तीन दिन शायद नींद भी नहीं आएगी ध्यान कहीं और होगा दिमाग में कुछ और चल रहा होगा ऐसा ही होता है रेज यू हैंड्स कितने लोग कह रहे हैं ऐसा ही होता है हमारी साइकोलॉजी हिल जाती है तो जब हम गुस्सा पीते हैं तो हमारी साइकोलॉजी हिल जाती है पर जब हम गुस्सा कर देते हैं तो सामने वाले की साइकोलॉजी हिल जाती है हम तो सुकून में आ जाते हैं राइट तो अगर गुस्सा कर दोगे तो ऐसे इंसान को कोई पसंद करेगा यस और नो नो वो तो ख़त्म ही हो गया ना वो आदमी जिसने गुस्सा निकाल दिया वो तो किसी को पसंद ही नहीं आएगा अभी हमने देखा कि आपको कौन लोग अच्छे लगते हैं जो गुस्सा नहीं करते जो हैं जो ठंडे हैं जो सुलझे हुए हैं जो सुकून है जो कॉम्पोजिट है जो कभी कभार बहस नहीं करते आप भी गलत होते हो तो भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं ऐसे ही लोग पसंद है ना हमें तो हमें ऐसा बनने की ज़रूरत है राइट गुस्से वाले बने तो, तो कोई पसंद नहीं करेगा राइट तो जो गुस्सा पी रहा होता है या गुस्सा सोलो करता है उसकी साइकोलॉजी अपनी हिल जाती है इस बात को हम अग्री करते हैं तो अब उस साइकोलॉजी को बैलेंस भी तो करना है ब्रूसली कहता है कि मैं उस आदमी से नहीं डरता जेस्टालन कहता है मैं उस आदमी से नहीं डरता जो रिंग में पंच जोर से मार सकता है मैं उस आदमी से डरता हूं जो जोरदार पंच खा के दोबारा उठने की हिम्मत रखता है क्योंकि दुनिया में भी हो सकता है आप बहुत पावरफुल ना हो बट आप पंच खा के वापस उठ सकते हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता इसलिए कुरान में कहा है पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस सब ने सुना है गिरानों में भी है आज के ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के फरमानों में भी है सबर हलीमी समता ह्यूमिलिटी सब सुनने मिलता है तो जो मज़ह पढ़ा रहा है या फोर्टीन हंड्रेड ईयर्स पहले से प्रॉफिट मोहम्मद इमाम अली पढ़ा रहे हैं और आज का हाजिर मौजूद इमाम पढ़ा रहा है और आज कॉपरेट अमेरिका की बुक्स पढ़ा रही है कि आई क्यू पर लोग हायर नहीं हो रहे हैं ई क्यू पर हायर हो रहे हैं क्योंकि लोगों ने कहा कि यार गुस्सा करने वाले गर्म दिमाग के इमोशनली फ़ौरन गिव अप करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं मुझे तो सी ई ओ वो चाहिए जिसका इमोशनल कंट्रोल इतना स्ट्रोंग हो तो टेक्निकली वही तो हम करने की कोशिश कर रहे हैं वही तो इमाम हम बनाने की कोशिश कर रहा है वही तो हमारा मज़हब हम बनाने की कोशिश कर रहा है राइट तो कोई भी चीज़ में फ़र्क नहीं है कॉपरेट अमेरिका की थियोरम्स और रिलीजन थियोरम्स दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि अपने अंदर पेशेंस लाभ अब हमने देखा यार पेशेंस सब समझवा गई बात पेशेंस होना ज़रूरी है गुस्सा कंट्रोल करना ज़रूरी है लेकिन जब हम कंट्रोल करते हैं ना तो हमारी हालत खराब हो जाती है ठीक है लेट्स टॉक अबाउट इट क्या होता है परवीन लखानी गुस्सा बर्दाश्त करने से क्या प्रॉब्लम आता है नॉर्मली चुप जवाब देने की जरूरत नहीं है उस पर और वॉक करना शुरू कर दो तेज तेज जिसको इमाम ने मेमोरीज ऑफ आ खान में कहा ब्रिस्क वॉक किसी ने वर्ड सुना है ब्रिस्क वॉकिंग क्या होती है ब्रिस्क वॉकिंग मतलब जॉगिंग नहीं होता है तेज तेज चलना होता है जिससे आपको थकन लगे यू नो यू गेट टायर्ड ऑफ इट राइट तो सीनियर्स भी कर सकते हैं बच्चे भी कर सकते हैं यू नो बिकॉज आपके हिसाब से जो तेज वॉक हो सकता है थर्टीन ईयर ओल्ड के हिसाब से वो वॉक स्लो हो right? राइट तो आपके हिसाब से तेज है टेम्पो होगा क्या नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी और अगर ये वॉक ट्रेडमिल पे नहीं है बाहर फ्रेश एयर में तो वैसे ही खत्म हो जाएगी आपको एक जान के बहुत हैरत होगी इमाम सुल्तान नमस् यूज टू तो डू किक बॉक्सिंग इमाम सुल्तान अहमद शाह थे और इमाम सुल्तान नमद शाह एज अ पर्सनैलिटी बिकॉज हर इमाम अलग है राइट एज अ पर्सनैलिटी थोड़े से स्ट्रोंग थे राइट right? आज का ये वाला इमाम थोड़ा सा ज़्यादा वो है लेकिन बाई पर्सनैलिटी इमाम थोड़े से तो इमाम किक बॉक्सिंग करते थे यू नेवर नो कि वो अपनी किक बॉक्सिंग इसलिए करते हैं कि वो मेंटली अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं राइट right? जब आप बैक को पंच करते हो या किक करते हो तो आपकी एनर्जी निकल रही है ना तो वो नेगेटिव एनर्जी जो आपने सोलो की है और आपने अपने लोगों को एम्प्लॉइज को लीडर्स को घर वालों को इस को बच्चों को नहीं दिया अब वो अंदर आपके उछल रही है इट्स लाइक अ बॉइलिंग वाटर या तो वो आपका ब्लड प्रेशर पाड़ के निकल जाएगी शुगर निकाल देगी आपका आपका स्लीपलेसनेस तीन चार दिन नींद आना बंद हो जाएगी गुस्सा इतना बुरा चीज़ है कि अगर आपके अंदर रह जाता है तो आपकी बॉडी पे पैचेस होना शुरू हो जाता है राइट right? हिप्नोसिस ये कहता है गुस्सा इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर वो बॉडी में रह जाए आपको तो नहीं पता आप तो भूल गए इंसान को खुदा ने पैदा किया है बाय डिफॉल्ट वो भूल जाता है वरना वो सो भी ना सके ये ब्लेसिंग है राइट लेकिन गुस्सा बॉडी में रह जाता है साइकोलॉजी रह जाती है तो आपने देखी हमने वो बुक्स पढ़ी है जो एटीन ईयर्स ओल्ड एथलीट अचानक से एनर्जी उसकी ड्राउन होना शुरू हो जाती थी बहुत सारे लोग कम्प्लेन करते हैं मेरी एनर्जी बहुत ड्राउन रहती है मैं ड्रेन रहती हूँ यस और नो खाने का मसला नहीं है इमोशनली कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है राइट right? तो so, दबा देना और चीज को निकाल देना दोनों में बहुत फर्क है ठीक है इट्स द सिमिलर थिंग एज यू ईट द फूड यू एक्सक्रीट द फूड आप फूड बाहर निकाल देते हो वेस्ट बाहर निकाल देते हो राइट right? अगर किसी को क्या बोलते हैं उसको गॉड फॉर कॉन्स्टिपेशन हो जाए जो फूड आप डाल रहे हो बॉडी में वो बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा क्या होगा बहुत सारी बीमारी हो जाएगी आपका बॉडी गार्बेज कैन हो जाएगा कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से यस और नो राइट इसी तरह माइंड में भी अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया ना विच इज लाइक एंगर जा रहा है बट या तो बाहर निकाल दो तो दुनिया के लिए आप गुस्से वाले हो चिड़चिड़े हो यू आर द वर्स्ट टेम्पर्ड पर्सन कोई आपसे बात नहीं करेगा दोस्ती लेकिन आप सुकून हो आप बोलो यार मैं दिमाग में नहीं टेंशन रखता राइट right? लेकिन दुनिया आपसे तंग है ठीक है या तो वो बन जाओ ठीक है कितनों को वो बनना है रेज यू है आपकी ज़िंदगी पार्टी टाइम है बट आप अकेले हो जाओगे दुनिया आपसे बात नहीं करेगी और ऊपर वाला भी जाके शायद तेल के कुएं में डाल देगा गरम गरम राइट बोलेगा क्या कर कर आया तो दुनिया में राइट एक आदमी को तो तूने कुछ नहीं किया राइट तो आप बोलो मैंने क्या करूं मैं तो अपना गुस्सा मैनेज कर रहा था भाई मेरे पास कोई चैनल ही नहीं था राइट मैं थोड़ी एम्पावरमेंट क्लासेस लेता था कोई दूसरा तरीका क्या था मेडिटेशन शुरू कर दो वर्कआउट शुरू कर दो ब्रिस्क वॉक शुरू कर दो बॉक्सिंग शुरू कर दो अमेजोन से दस डॉलर का एक पंचिंग बैग तो मंगा ही सकते हो ना जिसके ऊपर भी गुस्सा है उसकी शकल इमेजिनेशन ने बना मार दो तो दस बारह पंच क्या होगा एनर्जी निकल गई ना खत्म खल गेम ओवर यस और नो डू यू अग्री विद द पॉइंट राइट उसके सामने उसको गुस्सा करके अपने स्पाउस को अपने बच्चों को अपने पार्टनर को अपने एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को रिलेशनशिप खराब कर लेना और उसको फिर दस दिन बाद आप उस पर रिग्रेट भी करते हो बहुत कि यार ये मैंने क्या कर दिया राइट right? वर्सेस उस बैग को इमेजिन करके दस गूसे मार देने का लात मार देने का वो बेचारा क्या बोलेगा नॉन लिविंग सब्सटेंस है यस और नो आपकी एनर्जी निकल गई आपके अंदर से एनर्जी निकल गई लेकिन आप बर्दाश्त करते रहो चुप बैठो तस्वीर निकालो कुछ करो ठीक है तस्वीर आर गुड मेडिटेशन है बट अंदर रखना बहुत टॉक्सिक है एक बार याद रखना तो आज के बाद अंदर नहीं रखना गुस्सा एनर्जी है एनर्जी निकाल देनी है स्पेशली बैड एनर्जी तो निकाल देनी है भागना शुरू कर दो डीप ब्रीथ शुरू कर दो मेडिटेशन शुरू कर दो बट कोशिश करो वॉक करते हुए मेडिटेशन करो ऐसा कुछ करो कि बॉडी एनर्जी रिलीज करे थकना शुरू हो जाओ घर पे वेट्स पड़े वेट लिफ्टिंग शुरू कर दो ठीक है बहुत सारे लोगों को मिथ है कि वेट लिफ्टिंग इज ओनली फॉर बॉयज मेल्स वेट आफ्टर वेट लाइट वेट is बोन शुरू है। आप लोग को पता है yes right? पढ़ाया uh, तो कर ली तो इमाम अलीस के इसमन में क्रिटिसाइज जहाँ करना हो वहाँ करो ठीक है गलत बात पर चुप बैठना भी गलती होती है और हमने सारी बुक्स में यही पढ़ा है अभी तक ये yes और तो ये पार्ट को इमाम ने रिवाइज कराया करियाना बोला इम्पोर्टेंस ऑफ जस्टिस क्या होता है कि लास्ट टाइम वाली बात आ गई कि आप हेल्पलेस हो या हेल्पफुल हो सिचुएशन में राइट कोई आपके साथ कुछ करके चले गया और आप बोलो यार मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया मैं तो सही कर दूंगा राइट right? मेरे साथ कैसे किया नबत वलियानी के साथ ऐसा किया तो नबत वलियानी बोलेगी नहीं नहीं भाई पहले तो लेट्स थिंक अबाउट इट कि नबत वलिया कुछ कर भी सकती है कि सामने वाला बहुत ताकतवर है उल्टा और नुकसान होगा रहा तो है नबत वालिया बोल नहीं भाई सामने वाला तो गॉड जिला है, मेरे बस की बात है नहीं तो माफ कर देने का तो तो कि नहीं बनता यस और नो क्योंकि आपको तो खुदा ने पावरफुल पोजिशन में रखा ही नहीं है सो गेम ओवर खलास राइट पोजिशन टू अब आपको पावरफुल बनाए आप सीनियर हो घर की दादी हो आप किसी को भी डांट सकते हो अपने बेटे से लेके ग्रैंड किसी को भी राइट right? और ऐसी भी दादी हो जिसकी कोई नहीं सुनता तो वापस हेल्पलेस हो गए तो ये पोजिशन खुदा डिसाइड करता है कि कहीं आपको पावरफुल रखेगा कहीं आपको वीक रखेगा कोई लोग जो घर में बहुत पावरफुल है कभी कभार बार बहुत वीक होते हैं कुछ लोग जो घर में बहुत वीक है दुनिया बार बादशाह बने हुए होते हैं दोस्तों में सोसाइटी में यस और नो रेस करो हैंड कितने लोग अग्री करते हो इस बात से तो खुदा ने सबको सब कुछ नहीं दिया ठीक है और खुदा ने जस्टिस बड़ा किया कि अगर आपके जो भी लॉज ऑफ कर्माज है या जो भी फेट है हमारा उसी से डिसाइड होता है लेकिन खुदा कहीं ना कहीं आपको खुशी देगा राइट इमाम अली का कॉल है कि अगर तुमको अपने लोगों से शफ़कत नहीं मिलती मोहब्बत नहीं मिलती फेथफुलनेस नहीं मिलती ऊपर वाला बाहर से लोग ला देगा जो बुद्ध कमी पूरी कर देंगे इमाम अली का कॉल है ये नाजुल्बल राइट ऊपर so, वाले को पता है कि आपकी नीड्स कैसे पूरी करनी है अगर आपके घर के लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं देखेंगे बार वाला ले आएगा उसके लिए कोई मसला नहीं है राइट तो ये बात क्लियर है सबको कि लाइफ में सही चीज का साथ देना जरूरी है बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है दैट्स द वे ऑफ इस्लामिक स्टाइल राइट लेकिन हर जगह सही और गलत का फैसला करने नहीं पड़ेगा ना ठीक है हर जगह लड़ाई करने नहीं बैठ जाना लेकिन जब जरूरत हो तो चुप भी नहीं बैठना ठीक है डू यू ऑल अग्री विद पॉइंट यस और नो राइट और इससे गुस्से का चैनलाइजेशन भी आ गया ठीक है सो दिस अच्छा एक वर्ड उन्होंने यूज किया जो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि हर इंसान को ना डिवाइन अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ती है ये लिख लो अपने पास ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है डिवाइन अकाउंटेबिलिटी क्या होता है लेट्स टॉक अबाउट इट कौन समझ आएगा शरीफा ख्वाजा डिवाइन मतलब क्या खुदा अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या हिसाब क्या मतलब हुआ so there is a new direction to it एक accountability है अच्छा think about yourself as a kid ठीक है तो तुम्हारा पेरेंट तुम्हें बोलता है होमवर्क किया नहीं किया नहीं मैंने नहीं किया राइट right? सामने वाले ने पकड़ के रोका ट्रैफिक पुलिस वाले ने ईजी टैग से कैच किया स्पीड कर रहे थे स्पीड के रेडार ने कैच किया घर पे टिकट आ गया फोटो आ गया आप सरेंडर नहीं कर रहे थे आपको पकड़ा गया कॉलर से और घसीटा गया और बोला गया आपने प्रॉब्लम किया है मालिक मालिकीन के आमद्दीन मालिक के एक ना एक दिन फिनिशिंग लाइन पे तो दो तो तो बच्चे आके खड़ा होगा ना फिर बात करेंगे क्या कर कर आया है येस और नो इस पे सबका ईमान है हर मजहब का ईमान है ए बी और सी बट ईमान है ठीक है इमाम कह रहे हैं कि तुम खुद से हिसाब दो वेट नहीं करो हिसाब लिया जाएगा खुद हिसाब किताब करो इसमें क्या फ़र्क है ये लाइफ है ठीक है जैसे हमने लास्ट टाइम याद है अकाउंटेबिलिटी की बात की थी तो हमने कहा था यार हमने कितना कुछ कंज्यूम किया है एक वाटरमेलन की हमने बात की थी वो इतना सा सीड सॉइल फाड़ के बाहर निकलता है बनाना इतना चीखता है रोता है उसके आजकल वीडियोस आ रही हैं सोनोग्राफी इसकी राइट आप क्या करते हो वॉलमार्ट सैम्स सैमस एमेजोन से ऑर्डर करके केले का छिलका निकाल के खा लेते हो और आपको पता भी नहीं होता आप फ़ोन पे लगे होते हो उसने अपनी पूरी जिंदगी दे दी आपके लिए एक थैंक यू तो बनता है उस केले के लिए यस और नो राइट अभी आप लोग हैं छोड़ो ना क्या बात कर रहे हो ट्वेंटी में दिस इज ट्रू इट्स ए लिविंग बींग कोई नॉन लिविंग बींग थोड़ी उसको भी दर्द होता है उसको भी खुदा ने और आप भी एक ज़माने में शायद केला हो गए यू नो यू कुड बी अ वाटरमेलन वंस राइट यहाँ तक फॉरन इंसान थोड़ी पहुंच गया डबल प्रमोशन दे के राइट तो बात यह है कि अगर हम हर चीज़ का हिसाब जो भी हमारी कैपेसिटी हमें देती है कि हम देखें यार हमारे घर में हमारे लिए कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे पेरेंट्स हैं हमारे स्पाउसेस हैं हमारे एम्प्लॉयर हमें सैलरीज दे रहे हैं तो वो एम्प्लॉयर जो कि सैलरी दे रहा है उस एम्प्लॉय का डेडिकेशन ही अलग हो जाएगा उस एम्प्लॉयर के लिए यस और नो वो फिर ये नहीं देखेगा कि मुझे बॉस देख रहा है कि नहीं वो बोलेगा नहीं वो बॉस देखे नहीं देखे मेरा घर उसके पैसों से चल रहा है मैं उसके लिए काम करूंगा मैं उसके लिए खड़ा हुआ और ऐसे एम्प्लॉय को प्रमोशन वो बॉस खुद देगा वो नहीं देगा तो कुदरत देगी यस और नो राइट क्योंकि कुदरत ने बहुत एक्सप्लेन कर दिया माम वेरी वेल सेड अगर तुमने कुछ किया है अच्छा अगर तुम्हारे घर के लोग भी नहीं देखेंगे ना तो खुदा बाहर से लोग ला देगा देखने के लिए तुम उसकी फिक्र नहीं करो तो अगर तुम अपने बॉस के लिए काम कर रहे हो अच्छा तो आगे उनको फायर कर दिया कोई बात नहीं बाहर से कोई जरिया बन रहा है अभी नहीं पता चलेगा अचानक से झटका मिलेगा और बोलोगे ओ पे दिस वॉज दी स्टीव जॉब का नाम सबने सुना है राइट एप्पल फोन बनाने वाला वो बहुत होशियार आदमी था दुनिया उसकी बातें सुनती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उसको इतनी दफ़ा बुला चुका है उसने अपने वन ऑफ द लास्ट डेज में एक बात कही कि मैं मज़हब पे नहीं मानता बट मुझे ये पता है कि दुनिया कोई फोर्स चला रही है ये दुनिया ऐसे नहीं चल सकती कोई ना कोई फोर्स है जो दुनिया चला रही है बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं है लेकिन मुझे लगता है इस पॉइंट पे जब मैंने एप्पल जैसी बड़ी कंपनी बनाई दुनिया को हिला दिया कोई फोर्स चला रही है और वो जो प्लान करता है उस प्लान की जैसी कोई प्लानिंग नहीं कर सकता दुनिया में कोई उस तरह की प्लानिंग नहीं कर सकता कुरान की आयत और खुदा मंसूबे बना रहा था और तुम मंसूबे बना रहे थे और यकीन खुदा का मंसूबा और प्लान तुमसे हज़ार गुना पावरफुल था लेकिन तुम्हें तब समझ आएगा जब वो चाहेगा कि तुम्हें समझ जा जाए। स्टीव जॉब्स क्या कहता है जिंदगी में एक टाइम आएगा जब सारी स्टोरी सारे वाकया जो तुम्हारे साथ हुए ना वो एक शेप बना लेंगे और तुम बोलोगे अरे मैं मुश्किल में इसलिए फंसा था कि नहीं फंसता तो वहां से वहां नहीं जाता वहां से वहां नहीं जाता वहां से वहां नहीं, नहीं जाता और आज यहाँ नहीं पहुंचता शुक्र अहमदुल्ला कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं आप सब सीनियरों को कभी ना कभी हुआ होगा राइट सो क्लैप फॉर योरसेल्फ एंड क्लैप फॉर द लॉर्ड हु टेक्स केयर ऑफ यू तो स्टीव जॉब ये कहता है कि कनेक्ट होगी स्टोरी जो भी बुरा हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है राइट क्योंकि खुदा अपने आप को कुरान में कहता है कि मैं 91 मदर से ज्यादा प्यार करता हूं तुमको तो एक मदर कितना करती है प्यार तो ये तो अपने आप को आपको माओ के बराबर मैं सोचता हूँ तो किसी इंसान के साथ तो बुरा कर ही नहीं सकता ना वो यस और नो इस बात का एग्री करते हो तो फिर लोगों के साथ बुरा क्यों हो रहा है sense, right? गलत बात हो ना फिर तो एक तरफ बोल रहा है नाइन्टी वन दूसरी तरफ तो बोल रहा है पे तो किसी के साथ तो बुरा होना नहीं चाहिए किसी की जॉब नहीं छूटनी चाहिए कोई गरीब नहीं होना चाहिए किसी को बीमारी नहीं होनी चाहिए कोई अकेला नहीं होना चाहिए बिकॉज ही हैज़ अ प्लान फॉर यू उसने तुमको इस जगह फंसाया बिकॉज वो चाहता है कि तुम बड़ी जगह पहुंचो उसने तुम्हें छोटी बीमारी में फंसाया बिकॉज चाहता है तुम निकल के रोल मॉडल बनो हाँ तुम अपने आप को बहुत छोटा ले जाते हो वो तुम्हारा मसला है राइट right? रिमेम्बर मुझे नहीं याद आ रहा बट स्टडीड अ बुक जिसमें एक प्रॉफिट जो था जमाने का वो बहुत ताकतवर वॉरियर बनाया था बट वो दुनिया में छोटे छोटे चोरों से भाग रहा था जब इलाके में फाइट होती थी वो जाके छुप जाता था पीछे ग्रास के तो खुदा क्योंकि प्रॉफिट से बात भी करता है तो प्रॉफिट को तो बोला खड़े हो जाओ क्या कर रहा है जा जाके लड़ बोलते क्या हो गया खुदा मैं तो इतना गरीब मेरे तो कपड़े फटे हुए मुझे तो मार देंगे ये लोग तो खुदा ने वापिस एक दफा आवाज लगाई जा, जा लड़ तेरे को वॉरियर बनाया है है तो तू क्या कर रहा वापस चुप गया बोला नहीं यू नो छोटा सा फायर हुआ मैं भाग गया एक दफा खुदा ने उसको ऐसी जगह फसाया कि सबने उसको घेर लिया अब उसके पास डू और डाई के अलावा कोई सिचुएशन ही नहीं बची तो बाहर वाले बोलेंगे अरे नाइन्टी माओ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता अपने प्रॉफिट को फसा दिया खुदा ने लेकिन उस दिन वो लड़ा और जब वो लड़ा तो उसको पता चला वो इतना पावरफुल पंच दिया है खुदा ने तो मुझे मैं तो दुनिया से भाग रहा था आज मुझे अपनी स्ट्रेंथ पता चली तो हमारे साथ भी यही होता है देर इज अ प्लान राइट सो जिन लोगों के साथ बुरा हो रहा है अकॉर्डिंग टू देम बुरा हो रहा है क्योंकि हमें प्लान नहीं पता लेकिन ये बिलीव रखो कि एक दिन ये सब एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज होगा क्योंकि जो पिक्चर का डायरेक्टर है वो शाहरुख खान कहता ना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त राइट right? सो दिस इज पिक्चर एवरीबडी हैज़ अ पिक्चर और उसका डायरेक्टर से अच्छा दुनिया में कोई ये स्टीव जॉब बोल के गया है जो कि हम फुरान की आयत से समझ रहे हैं कितने लोग अग्री करते हैं इस बात को अल्लाह right? एक्सीलेंट तो हमने क्या पढ़ा एक ही सरेवन में तीन चार चीजें पढ़ी क्रिटिसाइज करना चाहिए जब जरूरत हो अपने एंगर को कंट्रोल करना चाहिए हर जगह क्रिटिक नहीं बनना चाहिए हर जगह गलती निकालने वाला भी नहीं बनना चाहिए कभी कभार गुस्सा पी जाना चाहिए जब ज़रूरत हो तभी मसला करना चाहिए और अपने अंदर डिवाइन अकाउंटेबिलिटी लाओ ये लिख लो दिस इज़ अ हैबिट अगर ये आपने डाल दी आपकी आपके इर्द गिर्द के लोगों की लाइफ ही बदल जाएगी आप रोज़ सोने से पहले अपना हिसाब लोगे आज मैंने क्या किया दुनिया को दिया क्या दुनिया से लिया और आप रोज सो गए ना तो शर्मिंदा होके सो गए और शायद शुकर करके सो गए कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं सबसे लिया ही राइट तो आप जब ग्रेटिफाइड होके सो गए तो सोचो आप दूसरे दिन कितने खुशी से उठोगे कि नहीं यार अब मुझे कुछ करना है लोगों के लिए राइट कल भी मैं उधार लेके सो गया था आज भी उधार लेके सो गया परसों भी मैंने लोन लिया था तब मैं सरप्लस पे आऊंगा तो वो इंसान निमाम अली ने कहा जो अपने आप को रोज चेक करता है जब उसकी फाइनल कस्टम क्लियरेंस की बारी आती है ना इमिग्रेशन पे तो उसको टीएसए मिल जाता है कि भाई तू तो वैसे ही अपने आप को चेक करा है तू एक काम कर चला जा राइट और तेरे को मैं बोनस गुलजुल खरीफा के ऊपर वाला फ्लोर देता हूँ क्योंकि तो तू तो मेरे को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं तू तो, तो स्कैनर लेके खुद ही घूम रहा है रोज ही स्कैन करता है अपने आप को राइट जो मसला है तो मैं क्या बोलूंगा तूने तो मेरे रूल्स को ज्यादा अच्छा फॉलो किया एक काम कर तेरे लिए दो फ्लैट और है

इस नाजुल बलागा में एक सेरेमन में मुझे बोर्ड में जगह नहीं मिलती है कि मैं और क्या सकूँ ओके सेम नंबर अपॉइंटमेंट ऑफ इसमें बात हो रही है तीन चार पॉइंट की कंसीलमेंट ऑफ राइट इमाम स्पीक्स अबाउट हाउ द राइट टू राइटरशिप वॉज आफ्टर द प्रॉफिट प्रोफिट लीडिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ अदर्स के इमाम प्रॉफिट के बाद किसी और को बना दिया मेरे राइट्स ले लिए गए लाइफ में कभी कभार ऐसा होता है कि आपके राइट्स आपको नहीं मिलते हैं, राइट डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए राइट अगर इमाम अली जैसा पावरफुल आदमी से दुनिया उसके राइट्स ले ले तो आप और मैं तो बहुत कमज़ोर हैं कितने लोग इस बात से एग्री करते हो राइट तो, तो आप इस बेचारी शनाज को फंसा दो लास्ट टाइम एन शी ट्राइड बींग गुड और उसका जॉब आगे पीछे हो गया एंड शी टोल्ड द स्टोरी टू एवरीवन वन इसलिए मैं बोल रहा हूँ तो उसके साथ बुरा हुआ राइट हालांकि उसने अच्छा किया ऐसा हम सबके साथ भी बुरा हो जाता है जब हम अच्छा करते हैं यस और नो तो उस दिन हमारा दिन नहीं था ये सोच लेना चाहिए रोज़ हमारे साथ शायद अच्छा नहीं होगा क्योंकि खुदा भी ये कहता है ना कि तुम्हारे भी बहुत सारे मसले ना लॉ ऑफ कर्मा भी तो है तुमने भी लोगों के साथ बहुत किया है उसका भी तो तुम हिसाब दे ही रहो ना दुनिया में तो कभी कभार तुम टेक्निकली अच्छा कर रहे होते हो लेकिन या तो वो चीज़ तुम्हारे लिए एक बड़ा रास्ता खोल रही होती है जैसे हमने बात की देर इज अ प्लान या तो तुम अपना हिसाब किताब बैलेंस कर रहे होते हो ठीक है क्योंकि खुदा सज़ा ऐसे नहीं देता वो नाइन्टी माह से ज़्यादा प्यार करता है ये उसने अपने बारे में बताया तो शायद दो ही रास्ते हैं या तो हिसाब किताब चल रहा है भाई कैलकुलेशन चल रही है उसमें फंस गए हो लाइव तो अपेरेंटली कुछ बुरा किया नहीं लेकिन पकड़ में आ गए या तो खुदा ने बच्चा जब टॉय से खेल रहा होता है ना डिंकी कार से तब उसका हाथ रख दो तो वो टॉय यूं ले जाएगा फिर आप यहाँ रख दो यूं ले जाएगा आप यहाँ रख दो यूं ले जाएगा फिर फाइनली वो गेट के अंदर गाड़ी को पार्क कर देता है तो आप हाथ रख के उसको डायरेक्शन दे रहे होते हो कि नहीं इधर नहीं वहा इधर नहीं वहां तो इसलिए खुदा आपके रास्ते रोक रहा होता है कि ये तू अपना बहुत छोटा काम कर रहा है या कर रही है मैं चाहता हूँ तेरे लिए बहुत बड़ा काम खोलूँ इसे देखो जॉब से फारिग कर दिया वापस जॉब देख रही है वहां से भी फारि कर दिया बिजनेस कर राइट right? बिजनेस में आता आहिस्ते करो पांच साल लगेंगे लेकिन पांच साल विल सी यू सेल्फ के जैसे दस लोगों को नौकरी दे रहे होंगे right? उस जर्नी में बड़ा मुश्किल होता है जाना लेकिन एक वक्त स्टोरी कनेक्ट होगी और समझ आएगा कि क्यों होता है कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं कितनों के साथ ये हो चुका है uh, इसलिए दूसरा पॉइंट जो इमाम अली कह रहे हैं ना वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए ना कंटेंटमेंट रखना चाहिए ठीक है अब कंटेंटमेंट बड़ा मुश्किल होता है जब आपके साथ फिज़िकली ऐसा लग रहा है कि बुरा हो रहा है अब मेरी जॉब चली गई मुझे कोई कल को बैड न्यूज़ मिला कि भाई मेरी तो हेल्थ ख़राब है मुझे तो ये हो गया मैंने तो अपना बहुत केयर किया था तो उस वक्त हम क्या करते हैं मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया मेरी इन्वेस्टमेंट डूब गई नो मैंने किसी पे ट्रस्ट करके पैसे लगाए थे वो काम ही नहीं कर रहा खत्म हो गया लॉस राइट सब तो अच्छी स्टोरीज थी मैंने खिदमत करने की कोशिश की मुझे किसी ने सामने से बुलाया नहीं सेवा के लिए मैं बहुत अपसेट हूँ राइट क्या हुआ मैं पांच छह में स्टोरीज बता रहा हूँ जहाँ सामने से आपने अच्छा करने की कोशिश की बट दुनिया ने आपको प्रॉब्लम में डाल दिया खुदा ये कह रहा है कि बी कंटेंटेड विदे तो अब मुझे ये समझाओ दुनिया वालों के जब आपके साथ बुरा हो रहा हो फिजिकली तो आप तसल्ली में कैसे रह सकते हो कंटेंटमेंट का मतलब क्या सुकून में रहो ना कैसे रह सकते हो मतलब आसान है प्रैक्टिकली पॉसिबल है शहनाज लोखंड वाला हाँ पॉसिबल है हम्म कैसे सारा टाइम उसी से बातें करते रहते हैं कि जो तेरी मर्जी जो तेरी मर्जी भूखा तो नहीं सोती हूँ छत भी है देखो आज मैं इतनी बहन भाइयों के साथ बैठी हूँ किसके में प्राइट रहते हैं माशाल्लाह जमात खाने जाने मिलता है लोगों को मिलने मिलता है स्माइल हमेशा रहती है बहुत प्रैक्टिस है बहुत जरूरी है इसका ये ओवरनाइट नहीं होता लेकिन प्रैक्टिस है लेकिन माशाल्लाह पहुंच सकते हैं वहाँ लेक। मैंने कहा ना यहाँ इस क्लास का हर आदमी टीचर है अपने तौर पे क्योंकि जब हम बात करते हैं ना तो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताता है और आई थिंक इस इत, इतना अच्छा बॉन्ड और कहीं क्लास में नहीं है जहाँ हर एक सबको जानता है येस और नो जितने लोग वीडियो ऑन करते हैं एटलीस्ट वो तो सबको जानते हैं जो पीछे से सुन रहे हैं रेडियो की तरह आई डोंट नो उनको फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ा बट आई ऑलवेज सजेस्ट जैसमिन क्या बोलती है जब बुरा हो रहा हो सामने से और ऐसा लग रहा हो कि अपने हिसाब से दुनिया नहीं चल रही है तो कंटेंटमेंट कैसे रखी जाए सुकून में कैसे रह जाए

इसको बड़ा बड़ा लिखना और उस पेज के ऊपर हेडिंग डालो लुक एट दिस पेज व्हेन यू आर सुपर डिप्रेस्ड क्या हेडिंग डालनी है लुक एट दिस पेज व्हेन यू आर सुपर डिप्रेस्ड अब नाइनटी प्लस का कोड कौन बताएगा मेरे को ये खुदा ने सिखाया कोडों में दिस इज सीक्रेट कोड हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है कल को गॉड फॉर बेट और हम कंप्लेन हम हमारा क्या हम कंप्लेन बोर्ड में आए थे ना वैसे चलो हम शुक्र कर रहे हैं खुदा का लेकिन जरा सा उसने रस्सी खींच लिया अरे तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया मैं तो हमेशा जमात करने जाता हूँ मेरे साथ ही करते हैं राइट मैं तो सुबह भी जमात करने है दो आ रहा हूँ दस तो मेरे साथ कर रहे हैं उन सबको तो पार्टी कर रहे हैं वो तो जाते भी नहीं उनके साथ तो फौरन से लड़ाई शुरू फौरन से हमने तलवार निकाल ली खुदा के लिए येस और नो बहुत ऑनेस्टली जवाब देना कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं राइट ये सब बोलने की बात है कि खुदा से अच्छी बात है शनाज जो कह रही है अच्छा है लेकिन वो वन फाइव परसेंट लोग खुदा से टग ऑफ वॉर में आ जाते हैं कि अच्छा बच्चू मेरे साथ ही करना है मैं ही मिलता हूँ तेरे को येस और नो बहुत ऑनिस्ट चीज से हाथ उठाना ठीक है झूठ नहीं बोलना एम्पावरमेंट है राइट तो उस वक्त नाइन्टी प्लस का पेज खोल लेना तो उसने बोला यार मैं नाइनटी मदर से ज्यादा चाहता हूँ तुम्हारे को ठीक है तो समझना के सामने खुदा बैठा है और बोल रहे हैं नाइन्टी माह से ज्यादा आई लव यू राइट सो तुम्हारे साथ मैं कुछ बुरा कर सकता हूं तो आपको जवाब मिल जाएगा कि नहीं सवाली नहीं सवाल ही पैदा होता तो अब आप उस सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढना शुरू हो जाओगे आप बोलोगे नहीं साला दिस इज समथिंग इज समथिंग पॉजिटिव इन टू इट ये मेरे को नाइन्टी माह से ज्यादा प्यार करता है दुनिया मेरा क्या मसला निकालेगी मेरा तो ऊपर वाला बैठा है आई डोंट केयर मैं नहीं मरता मेरे को कैंसर नहीं ले जाता मेरे को जॉब जॉबा नहीं मारेगी मेरे को लोग नहीं है मेरे पास नहीं, मेरे पास पास फ्रेंड्स नहीं है है आई आई डोंट डोंट केयर सुपर पावर फ्रेंड फ्रेंड नीड अ अचानक आपका स्टेट ऑफ माइंड ही निकल आया आप तो मतलब कैप्टन अमेरिका बन गए दो मिनट के अंदर राइट और वोमेन कैप्टन वोमेन अमेरिका बन गए अब आपने बोला यार तो ये सिचुएशन में हुआ क्यों मेरे साथ ये लॉस क्यों हुआ ये जॉब क्यों गई ये बीमारी क्यों आई ये इंसल्ट क्यों किया ये लोग छोड़ के क्यों चले गए किसी की डेथ क्यों हो गई अब बोलोगे नहीं कुछ ना कुछ तो खुदा ने अच्छा किया है मैं आपको बताऊं मैं नाम नहीं लूंगा मैं दुबई में कोई बहुत बड़े बिजनेस के साथ बैठा हुआ था मैंने शायद बताया था उसके पाँच स्टोर्स हैं अफ्रीका में बहुत अच्छा काम करता है वो किडनेप हो गया था और बहुत आगे तक बात गई थी वैसे वाला आदमी से बिग टैंक तो मेरे को बोला फरी जब मैं किडनैप हुआ ना मेरे साथ लाइफ में बहुत कुछ हुआ वो बोला मैं अपने ऊपर मूवी भी बनवा रहा हूँ अभी और जस्ट कि ताकि अगर किसी को लर्न करना है तो कर सके तो उसने बोला जब भी बुरा हुआ है ना तो बहुत अच्छा हुआ है जब भी बुरा हुआ है तो बहुत अच्छा हुआ है तो जैसे शहनाज ने बोला ना हर एक आदमी का अपना रिलेशन होता है ऊपर वाले से उसने बोला यहाँ तक ऐसे तो नहीं पहुँच गया ना पाँच स्टोर का मालिक ऐसे तो नहीं होगा उसने बोला जब भी बुरा हुआ है ना बहुत अच्छा हुआ है एक बात किसी ने पढ़ाई नहीं इतना पढ़ा लिखा नहीं लेकिन ये खुदा ने समझा दिया पचास साठ साल के सफर में कि जब भी बुरा हुआ है बहुत अच्छा हुआ है जब भी बुरा हुआ है बहुत अच्छा तो मैं जब किडनैप हो गया ना और मेरे को वो ड्रिल मशीन लेकर आए या टॉर्चर करने के लिए लाए तो मेरे को डर बहुत लग रहा था कि मेरे को मार देंगे लेकिन मेरे को था यार इससे बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है तो जिंदगी में जब भी बुरा हुआ है बहुत अच्छा हुआ है तो इतना बुरा हो रहा है तो सोच कितना अच्छा होगा गया यहाँ से बच गया तो तो वो मेरे को ड्रिल कर रहे थे तो मैं अंदर एक्साइटेड हो रहा था और मैं हंस भी रहा था और वो मेरे को बोलती पागल तो नहीं है कि मैं इसको टॉर्चर करने के लिए आ रहे हैं और इस घर को रैंडसम मनी मांग रहे हैं और ये हंस रहा है बोलेगा तुमको लग रहा हो भाई शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ बट ट्रस्ट मी मेरे को लोगों ने समझा ये क्रेजी हो गया है या तो इसको पेट भर के खाना नहीं दिया इसके दिमाग पे चढ़ गया कुछ ना कुछ यू नो ही इज़ लाइक क्रेजी और उन्होंने बोला इसको टॉर्चर नहीं करो ये बंदा मेंटली अनवेल है उनको पता नहीं दिमाग में खुदा ने क्या डाला क्योंकि मैं हंस रहा था राइट और एक टाइम ऐसा आया कि उसने ज़रिए बनाया और मैं निकल आया भाग गया और मैं आज से निकल के फिर आज मैं दुबई में सेटल हो गया यू नो मेरे वहाँ पे स्टोर्स ऑपरेट हो रहे हैं और फिर इतना अच्छा हुआ मेरा बिजनेस सौ गुना और बढ़ गया मैं जब दुबई आया तो मैं और बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ली और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स खोले बुलजुल अरब पे मेरा नाम आ गया फॉर्चून फोर्ब्स कंपनीज में और बहुत बहुत तरक्की मिली और ज़्यादा तो अभी मुझे समझ आया मुझे किडनैप क्यों कराया था क्योंकि मेरे साथ बहुत अच्छा करने वाला था तो सोचो माइंड सेट right? एक बंदे का राइट एक आदमी इतना सक्सेसफुल हो जाता है कि उसकी केमिस्ट्री हो जाती है कि बुरा बुरा है ही नहीं बुराई में ही अच्छा ही है क्यों क्योंकि नाइनटी प्लस का थियोरम उसके दिमाग में है तो नेक्स्ट टाइम जब आप लोगों के साथ कुछ बुरा हो ना तो कीप इन माइंड सुलीना लाल जी कुछ बोलना है गुलशन अनम्यूट करना पड़ेगा जिसको इतना बुरा होता है ना तो वो इसका ईमान इतना मजबूत होता है ना तो वो मोला पे छोड़ देता है फिर फिर रॉक सॉलिड हो जाता है प्रॉफिट uh, मोहम्मद को ले लो राइट right? कुरान में खुदा कहता है कि मेरा बेस्ट मैन कौन है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ प्रॉफिट मोहम्मद कितनी मुश्किलें डाली उस पर राइट right? टन ऑफ मुश्किल लगा दी ऐसा टाइम था कि लोग पत्थर मार रहे थे प्रॉफिट को खून खून हो रहे थे भाग रहे थे नंगे पैर भाग रहे थे खाना नहीं खाया था इतने राइट उसको क्या जरूरत थी अपने बेस्ट मैन को इतना पेन में डालने की कुछ उसके लिए बड़ा सोचा था इसलिए शायद डाल रहा था राइट ये उसका स्टाइल है राइट हेरा पेरी वो डायलॉग सुना है ना ये, रा ये बाबू राव का स्टाइल है राइट तो वैसे ऊपर वाले का स्टाइल है राइट वो कुछ ना कुछ बुराई में अच्छाई रखता है लेकिन शायद उस वक्त वो आपका या मेरा टेस्ट ले रहा होता है कि इस वक्त देखो ये बंदा मेरे साथ खुश होता है या लड़ाई करता है जब पैसे मिलते हैं तो तो खुश होता है राइट जब अच्छा काम होता है तो तो खुश होता है जब वाह वाह होती है तो खुश होता है आज इसकी वाह वाह नहीं कराते आज इसकी इंसल्ट कराते हैं देखते हैं आज ये मेरे साथ कैसे बात करता है राइट तो उस वक्त शायद हमारा वो टेस्ट ले रहा होता है कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं यस और नो राइट right? और वो शायद ये चेक भी कर रहा होता है कि इतनी इम्पावरमेंट क्लास देखो ये ब्लेसिंग ही तो है आप में हम सब जो यहाँ दो साल तीन साल से बैठे हैं ये ब्लेसिंग नहीं तो और क्या है सबको ये मौका मिला है नहीं मिला है राइट right? सबको ये नॉलेज मुझसे वो जो बुलवा रहा है वो खुद बुलवा रहा है आप लोग जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो मतलब वी ऑल आर द पार्ट ऑफ द प्लान राइट हमारे अकेले की बस की बात ये थी नहीं कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं तो वो हमें नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है एजुकेशन के Hmm. Who wants to say something? दो तीन लोगों ने हाथ उठाया था okay, yeah, good. So, 90 plus लिख लो ठीक है कि कभी next time बुरा होता है खुदा ना खास्ता तो याद रखना खुदा जो सब चीज पे पावरफुल है कादिर है वो नाइन्टी अदर से ज्यादा प्यार करता है तो बुरा हो नहीं सकता ये कुछ अच्छे के लिए है डिवाइन अथॉरिटी लीडरशिप शुड बी ग्रांटेड बाई डिवाइन कमांड नॉट बाई द फोर्स और मैनिपुलेशन पाउर सीज्ड बता रहे हैं कि कभी कभार लाइफ में ना आप हेल्पलेस हो जाते हो कितने लोग लाइफ में कभी ना कभी हेल्पलेस हुए हैं रेज यू हैंड अच्छा हेल्पलेस आदमी इस तरह भी होता है कि शायद एक आदमी दुनिया में बड़ा पावरफुल है बट वो अपने घर पे हेल्पलेस हो गया एक आदमी घर पे बहुत पावरफुल है अपनी जॉब पे हेल्पलेस हो गया एक आदमी हर जगह बहुत पावरफुल है बच्चों के सामने हेल्पलेस हो गया चल ही नहीं रही बच्चों के सामने सुन ही नहीं रहे एक आदमी के घर वाले बच्चे इतना सपोर्ट दे रहे हैं बट हेल्थ खत्म हो गई बिल्कुल हेल्पलेस हो गया बॉडी में एनर्जी नहीं है इतना पॉजिटिव आदमी चल ही नहीं रहे हाथ पैर राइट कॉमा में चले गया पैरालाइज हो गया गॉड फॉर बिट गाड़ी ने हिट कर दिया एक्सीडेंट हो गया बिस्तर पे चले गया हेल्पलेस हो गया राइट बहुत तरह की हेल्पलेसनेस होते में लॉर्ड सेव अस ऑल मुश्किल से लेकिन हेल्पलेस आदमी मतलब एक आदमी एट अ टाइम पावरफुल है लेकिन एक जगह हेल्पलेस है कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं यस yes no. और नो डालते हैं जस्ट बिकॉज दे फील हेल्पलेस और अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत करीब पहुंच के घूम के आ जाते हो और उसमें आपका नाम नहीं लिखा जाता क्योंकि कुरान में और इस्लाम में तो सुसाइड को इट्स सिन इतना बड़ा सिन के खुदा तो शक्ल भी नहीं देखेगा आपकी राइट right? सो so, और हम लोग बींग स्माइलीज तो एक लाख चौरासी हजार जन्म लेके यहाँ तक पहुंचे पूरा कॉन्सेप्ट खुदा ने क्यों पचाया ग्रेस पहुँचाया और तुमने क्विट का बटन दबा दिया कि नहीं भाई मेरे बस की तो बात नहीं है उठा रहे राइट तो खुदा इतना नाराज के खुदा ने बुरा तू तो बंदा ही नहीं खुदा गेम ओवर में देखी नहीं रहती रही राइट सो कितनी आयतें चाहिए आप गूगल कर लो आपको मिल जाएगी खुदा बहुत नाराज होता है वो लोगों से जो सुसाइड तो हमने ये देखा कि हेल्पलेसनेस में इंसान बहुत दफ़ा डेथ के करीब पहुंच जाता है येस और नो अच्छा अब मुझे इमाम की अली की एक और बलागा से रिफ्लेक्शन याद आ रहा है इमाम कहते हैं कि पॉवर्टी इज अ फॉर्म ऑफ डेथ गरीबी भी एक तरह की डेथ है कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं राइट right? और इमाम एक दफ़ा ये भी कहते हैं कि जिसने एक बंदे को बचाया उसने दुनिया को बचा लिया तो शायद अगर किसी ने किसी को गुर्बत से निकाला तो पूरी दुनिया को गुर्बत से निकाल लिया ये भी हो सकता है तो आज टाइम एंड नॉलेज कितना ज़रूरी है शहनाज जैसी टैलेंटेड लेडी अगर अपनी जॉब लूज़ करती है और बताती है और इसमें से इतने सारे सीनियर जो मुझे इंडिविजुअली बोलते हैं मैंने आपको देखा मैंने ग्रुप में एक इनिशिएटिव लिया अलहमदिल्ला ऊपर वाले ने मेरे दिमाग में डाला बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे हमने ट्रेडिंग शुरू की है मेरा मकसद था कि वहाँ जो ओवरसीज में बैठे मैं अल्ट्रा पोवर्टी में उन लोगों को महीने का सौ डॉलर बनाने का तरीका समझाऊँ पता नहीं कामयाब होते हैं कि नहीं कोशिश कर रहे हैं आप सीनियर्स को ज्वाइन करना है आप कर लो बहुत सारे सीनियर माशा बहुत वेल टू डू हैं लिव इन बिग अचीव सो मच बहुत सारे लोग बेचारे नहीं है बहुत सारे लोगों के पैसे नहीं है तो आज जिसमें जान भी नहीं है सो ट्रेडिंग इज समथिंग के जिससे थोड़े पैसे बन सकते हैं तो व्हाट्सएप में जाके ज्वाइन कर लेना चुपचाप बताने की जरूरत नहीं है किसी को लेकिन आज इमाम ने कल कह दिया था कि आज जितना तुम्हारे लिए रिस्क कमाना मुश्किल है तुम्हारे से यंग जनरेशन के लिए और मुश्किल हो जाएगा सेफ करो सेफ करो सेफ करो यस और नो और आज हम जब देख रहे हैं ए आई यूरोक्स जॉब मतलब गूगल और फेसबुक जब फायर कर रहा है पाँच पाँच हज़ार लोगों को ये वो जगह है जहाँ लोग जॉब पाने के लिए ज़िंदगी लगा देते हैं यस और नो तो वो जब इतनी मल्टा मिलियन डॉलर कंपनी फारग कर देती है लोगों को तो वहां से जो फारिग हुआ है वो डेथ के करीब नहीं है तो और क्या है उसकी लाइफ क्या होती होगी जो आदमी गूगल से फायर होता होगा या फेसबुक से फायर होता होगा येस और नो तो आज लोगों के ऊपर अलग अलग तरह के प्रेशर हैं ठीक है जीकिया? आज सेफ्टी सिक्योरिटी का प्रेशर नहीं है वो लोग जो नॉर्थ अमेरिका में बैठे हैं या यूनाइटेड एमिरेट्स में बैठे मैं है। शायद अफगानिस्तान को है सीरिया को है राइट पाकिस्तान के कुछ लोगों को है लेकिन इस जगह पे वेस्ट में दूसरी तरह के प्रेशर हैं नो लिविंग अर्निंग का प्रेशर है इन्फ्लेशन का प्रेशर है बहुत सारे और प्रेशर है तो जब इमाम बोलता है हमें कि यार लोगों की टाइम और नॉलेज से मदद करो तो आप लोग जब रोज इतने सारे लोगों से टकरा रहे हो कोई किस मुश्किल में कोई किस मुश्किल में यार आपको नहीं पता वो आदमी हेल्पलेसनेस की क्या हाइट पर है क्योंकि हमने देखा हेल्पलेसनेस की एक हाइट सुसाइड और डेथ भी है येस और नो तो अब समझ आया मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ के ऊपर इतना क्यों अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं जेकेस में और दुनिया में मतलब इमाम ने ताजिकिस्तान के अंदर पहली मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट बना दिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ पहली और मुझे एक डॉक्टर ने कहा कैलिफोर्निया के मैं नाम नहीं लूँगा वो अफगानिस्तान में काम कर रहा है उसे मैंने बोला फरीद भाई गुरबत तो गुरबत मेंटल हेल्थ सेवेंटी परसेंट लोगों की ख़राब है और मेंटल हेल्थ इज़ लाइक डेथ और मुझे उस वक्त वो बात समझ नहीं आई थी आज मुझे ये सरमन पढ़ने के बाद थोड़ी सी समझ आई क्योंकि जो आदमी की उम्मीद खत्म हो गई होती है ना वो तो जिंदगी में ही मर जाता है कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं तो अगर आप सोचो कि आप माशाल्लाह ब्लेस्ड हो और आप अपने अपने जे में अपने पुराने दोस्त को या किसी ऐसे बंदे को मिलो जिसको आप बहुत डाउन देखो कभी कभार हमें लोग दिखते हैं ना शक्ल से लग रहा होता है यार क्या हो गया इनके साथ और आप नहीं जानते बट रोज इज नो हार्म के से इतना है अकेला नहीं है लेकिन उसकी फीलिंग ऐसी है, जैसे शौकत भाई ने बोला शनाज ने कि यार मैं तो अकेला हो गया अभी मेरी कोई नहीं सुन रहा अभी मैं खत्म हूं राइट और क्या पता वो उस सात लाख या आठ लाख लोगों में और हमारी कम्युनिटी में भी हमें केसेस मिलते हैं सोसाइटी के कई कभी यस और नो और हमें झटका मिलता है थर्टी थर्टी ईयर्स का बंदा ट्वेंटी फोर ईयर्स का बच्चा फिफ्टी टू ईयर्स का आदमी ने सबको बंद करके राइट मैं नहीं दोहराना चाहता लेकिन मिलते हैं वो भी दुनिया के प्रेशर्स में रहते हैं क्या पता वो आदमी इस लाइन में जा रहा था डेथ की और उससे पहले आप उसके हंस के मिल लिए और आपने बोला कोई बात नहीं आशनाज में खड़ा हुआ

आप सिर्फ उसके कंधे पे हाथ रख के बोलते हो इस्तेमाल करके बोलते हो फिक्र नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ पूरा काम वो आदमी खुद ही कर लेता है ऐसा ही है तो किसी को मोटिवेट करना भी ना बहुत बड़ी बात है यह आज बात हमको समझ आई तो आप सब लोग जिंदगी में कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे ना कि हम लोग क्या करें हम लोग क्या करें ड्राइविंग भी नहीं कर लोगों को मोटिवेट करना शुरू कर दो मुश्किल में फंसे हुए लोगों को ढूंढना शुरू कर दो और अपनी ये हैबिट बना लो कि यार एटलीस्ट हफ्ते में एक बंदा मोटिवेट करो दिन का कर सकते हो तो बहुत अच्छा है लेकिन ये दिमाग में टास्क बना लो जो हमने बात की थी ना डिवाइन अकाउंटेबिलिटी की कि सोने से पहले पूछो यार मैंने कितना दुनिया से लिया और कितना दुनिया को दिया तो हफ्ते में तो एक मुश्किल में इंसान मिल ही जाएगा तुम्हारे को यस और नो रेज योर हैंड मिल जाएगा ढूंढोगे ना तो मिल जाएगा दिमाग में होगा ना कौन मुश्किल में दिख रहा है कौन दिख रहा है कौन दिख रहा है कौन दिख रहा है कोई ना कोई दिखेगा जाके उसको बोलना नहीं है मैं तेरी हेल्प करने जाके उसको ग्रीट करना है क्या चल रहा है सब ठीक है ठीक है हो सकता है वो आपको बंदा अपनी मुश्किल बताए भी नहीं हो सकता है मुश्किल में ना हो आपने गलत फहमी लेकिन खुदा तो तुमको नियत पे बोनस पॉइंट दे रहा है ना यस और नो रिजल्ट पे थोड़ी दे रहा है तो तुम्हारी नियति थी किसी को मुश्किल में मदद करो तो वो तुम्हारी मुश्किल में किसी को मदद बना के भेज देगा खुदा का तो स्टाइल ऐसा ही है राइट सो आई थिंक दिस वाज माशाल्लाह एन एक्सेलेंट सेरेमोन के इमाम सिखाते हैं कि बी कंटेंटेड विद गॉड स्पेशली मुश्किल में कंटेंटेड और रहो खुदा से लड़ाई शुरू मत कर दिया करो कि तूने ऐसा क्यों किया ऐसा क्यों किया उसमें 90 प्लस का थ्योरम ले आओ एक मिनट परवीन मैं आपको एडमिट करता हूं मैं देख रहा हूं आप बात उतारो तो 90 प्लस का थ्योरम हो गया दूसरा मुश्किल जो होती है ना इंसान को डेथ तक ले जाती है राइट लोगों की मेंटल हेल्थ एक ऐसा डिजीज़ है डायबिटीज़ की तरह कि जिसमें कोई रेड बल्ब नहीं चलता हाँ शायद इंसान की शक्ल से पता चल जाता है क्योंकि शक्ल उतर जाती है तो आपको शक्ल उतरे हुए लोग ढूँढ रहे हैं कि कौन है जो के बिल्कुल लो लग रहा है यार ऐसा होता नहीं है बंदा और मैं जानता भी नहीं उसको लेकिन जाके उसको हाय हेलो करके स्माइल करके ऊपर वाले के लिए पूछ लो यार क्या चल रहा है सब सही चल रहा है जो सही है काम ठीक है हो सकता है तुमको वो बता दे तुम किसी काम आ जाओ उसके और हो सकता है तुम बोलो अब छोड़ो ना यार मेरे को घर पहुंचना है मेरे पास अपना टाइम नहीं है मैं ये सब क्या लफड़े पालू तो ठीक है कल को जब तुम लफड़े में फंसोगे तो तुम भी अकेले ही बैठे हो बच्चे यस और नो राइट तो जो लोग हेल्पलेस हैं उनकी मदद करेंगे तो हम हेल्पलेस नहीं होंगे आप तो कर सकते उस काम को कंटिन्यू यस और नो राइट right? जब आपके दिल में दर्द है और आपको उस चीज़ की वैल्यू पता है तो क्या पता ऊपर वाला आपको टेस्ट कर रहा है भाई कि आ जाओ मेरे दूसरे बंदे तुम्हारे लिए टाइटल तैयार है राइट right? तो एक दफ़ा सलाउद्दीन ऐबी जो कि कॉन्क्रीट था बहुत जंगे लड़ता था और उसके बारे में मशहूर था कि वो जब जंग लड़ता है ना तो वो परवाह नहीं करता इतना बहादुर था तो एक दफ़ा उसका बहुत टकराव ज़ोरदार हो गया और जिससे टकराव हुआ वो सलाउद्दीन पे बहुत भारी पड़ गया तो सलाउद्दीन अयूबी को बोलता है आज तू गया सलाउद्दीन बिकॉज आज तू मुझसे टकरा रहा है और आज तेरा खुदा भी तुझे बचाने नहीं आएगा शायद तू आज मर जाएगा तो सलाउद्दीन कहता है यार मैं चला गया ना तो मेरी तरह के और बहुत सलाउद्दीन ऊपर वाला पैदा कर देगा एक बात याद रखना ठीक है तो कभी कभार लाइफ में एक आदमी के जाने से दुनिया नहीं रुकती है और शायद आपको ऊपर वाला वो मौका दे रहा है कि यस और नो कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं तो उससे एक आपके लिए भी लाइफ में कोई चैलेंज आता है और सोचो जब वो इतने चेहरों पे मुस्कुराहट ला रहे थे और वो लोग आज वेट कर रहे हैं राइट तो आप क्यों लीड नहीं बन सकते परवीन माशाल्लाह यू कैन बी द लीड अपने भाई का काम अपने फैमिली का काम कंटिन्यू करो राइट हमें आज इतने सारे बच्चे मिलते हैं जो अपने ग्रैंड के काम कंटिन्यू करते हैं राइट इतने बड़े बड़े नाम हैं जो सालों से उनकी फैमिली अच्छे काम करते आ रही है कोई स्कूल चला रहा है बच्चों के ईदी को ले लो ई दी एम्बुलेंसेस चलाता था कुछ और चलाता था राइट मुझे बड़ी हैरत जान के मैं एक बात शेयर करूंगा मैंने एक आर्टिकल आज पढ़ा कि लैम्बरगिनी जो थी ना लैम्बरगिनी सबको पता है ना क्या होती है वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स कार इन द वर्ल्ड वो स्टार्ट एज ए ट्रक कंपनी हुई थी एल का जो फोन है जो फोन नहीं है है सब है बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जापान की वो एज अ ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट हुआ था ठीक है और एमेजोन जो आज दुनिया को हिला रहा है वो एज अ बुक स्टोर स्टार्ट हुआ था तो आपका स्टार्ट कुछ भी हो आप आज कुछ भी हो मगर अगर आप हारते नहीं ना तो आप बहुत बड़े बन जाते हो राइट तो मकसद ये है कि आज मैं क्या हूँ मेरे पास कितनी ताकत है कितनी कैपेसिटी है ये मत सोचना मुझे जाना कहाँ है उस पर नज़र रखना तो इन जिस तरह दुनिया लोगों ने हिलाई है आप भी कुछ ना कुछ अपने एरिया में हिला के जाओगे ठीक है नाइन्टी प्लस थ्योरम याद रखना ठीक है